अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शेफ फैसल चैनल। मैं हूं शेफ फैसल और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही मजेदार और लाजवाब बच्चों और बड़ों की मनपसंद चिकन नगेट्स। ये हम चाइनीज स्टाइल में बनाएंगे और ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ते बनते हैं। सिर्फ एक पाव चिकन में हम एक किलो चिकन नगेट्स बनाएंगे। चलिए रेसिपी तक चलते हैं। यहाँ पर एक पॉट में मैंने 4 खाने के चम्मच तेल डाले हैं, साथ में 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ या चॉप लहसुन शामिल करेंगे और इसको हल्का सा हिला देंगे। साथ ही इसमें मैंने शामिल किया सब्ज़ मिर्च 1 अदद बारीक कटी हुई और इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज 1/2 कप शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 1 मिनट तक तलेंगे ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने चिकन ऐड किया है 300 ग्राम। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं या हाथ से बारीक बारीक तड़के सी छोटी सी बोटियाँ भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसका रंग चेंज हो चुका है और इसका पानी भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ 1/2 कप बारीक कटी हुई गाजर, साथ इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई 1/2 कप शिमला मिर्च और बंद गोभी बारीक कटी हुई 1/2 कप। अगर आप हाथ की मदद से नहीं काटना चाहते हो आप इस सब सब्जियों को चॉपर में आसानी चॉप कर सकते हैं और इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको भूनेंगे। और अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगा 1 कप सूजी और तमाम सब्जियों को और चिकन को और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको दरमियानी आंच पर तकरीबन 2 मिनट तक पकाएं। इसको भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें 2 कप पानी शामिल करूँगा। 2 कप पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और फिर इस तरह आग को बंद कर दूँगा ताकि ये नीचे से लट ना जाए, क्योंकि अब मैं इसमें मसाले ऐड करने लगा हूँ। सबसे पहले हम डालेंगे चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका या 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, ओरिगैनो 1/2 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे, सिरका 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे। और अब यहाँ पर मैं आंच को जला लूँगा जो कि हमने बंद की थी और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम पकाएंगे और इस दो चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा पीस लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी डो तकरीबन तैयार है। अब हम इसको इसमें से निकाल कर एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। नगेट्स की डो ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं अपने हाथ को तेल की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लूँगा और नगेट्स बनाना स्टार्ट कर दूँगा। आप इसको अपनी मर्जी की कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको चौरस शेप दी है जैसा कि आप देख सकते हैं। इस डो से तकरीबन 35 से 40 नगेट्स तैयार होंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। अब हम एक और बॉल लेंगे, इसमें हम 2 अदद अंडे डालेंगे और अंडे को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगी ब्रेड क्रम्ब, 1 कप ब्रेड क्रम्ब हमने एक प्लेट में डाली है। और अब हम बारी बारी चिकन नगेट्स को अंडे में अच्छी तरह से डुबोएंगे और इसको हम अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कवर कर लेंगे ताकि इसका कोई भी हिस्सा ब्रेड क्रम्ब से खाली ना रहे। इसी तरह हम तमाम नगेट्स को बारी बारी अंडे में डुबो के ब्रेड क्रम्ब से कवर कर लेंगे। देख लें हमारे सारे नगेट्स तैयार हैं। और अब इसी स्टेज पे हम इसको फ्रीज करने के लिए 8 एयर टाइट बॉट्स लेंगे जिसमें हम 1 लेयर चिकन नगेट्स ही लगाएंगे और इसको हम क्लीन फिल्म की मदद से कवर कर देंगे। इसी तरह आप रिपीट करके इस पर हम लेयर लगाते जाएंगे और इसको एंड में हम 8 टाइट कैप से बंद करके इसको आप 1 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं। चलिए बाकी नगेट्स हम फ्राई करते हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसे बने हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिस पर मैंने पहले से तेल को गर्म किया हुआ है और इस पर हम चिकन नगेट्स डालेंगे। इसको हम तकरीबन दरमियानी आँच पर पकाएंगे तब तक इसका कलर सुनहरी ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चिकन नगेट्स तैयार हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब होते हैं। इसे मेरे कहने पे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करने का। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे साथ ही शेफ़ फैसल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।